वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इंडियन डेजर्ट पढ़ा था और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कोस्टल प्लेन्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे इंडिया का कोस्टल लाइन जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। सो वी हैव लॉन्ग कोस्ट लाइन। अब कोस्ट लाइन में कितने टाइप की कोस्ट लाइन है वो देखते हैं। हमारा जो मेन लैंड है इसकी कोस्ट लाइन क्या है? मेन लैंड कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है पहले उसको समझते हैं। मेन लैंड कोस्ट लाइन चीज क्या है? हमारा जो मेन जमीन का टुकड़ा है उसका जो कोस्टल एरिया है तो ये है आपका बेसिकली गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर बांग्लादेश तक आता है, ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 6100 किलोमीटर। अब बात करते हैं इंडिया की कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स। देखो जब हम आइलैंड्स को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग आइलैंड, तो कितनी बड़ी हो जाएगी? हमारे पास दो आइलैंड ग्रुप हैं, एक अरेबियन सी में और एक है हमारे पास बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है और बे ऑफ बंगाल में हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है। तो इन दोनों आइलैंड ग्रुप की कोस्टल लाइन इंक्लूडिंग दिस मेन लैंड कोस्ट लाइन जो हमारी कोस्ट लाइन बनती है उसकी टोटल लेंथ बन जाएगी 7516.6 किलोमीटर। इतना क्लियर है? ये फिगर्स आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब हमारे पास कोस्टल प्लेन्स भी दो टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो हमारी वेस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हमारी ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। तो आपके पास वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ने को है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। अगर आप यहाँ देखते हो मैप में तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, ये गल्फ ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है बट इसमें कुछ पोर्शन रन ऑफ कच्छ का भी आता है, ठीक है। तो ये गुजरात से लेकर बाद में ये आपका सूरत, देन महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटका, देन केरला एंड फाइनली कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी क्या है? कन्याकुमारी जो है दैट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड। कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, दैट इज केप कोमोरिन। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये भी मैंने आपको बताया, इट स्टार्ट्स फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ, देन मूव्स साउथवर्ड। ये कोस्टल प्लेन्स हैं, मूव्स साउथवर्ड्स कहां पर? अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ, अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ, अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ। अब कौन कौन सी स्टेट्स के बॉर्डर से हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन टच करता हुआ जा रहा है ये देखो। सबसे पहले आपका आता है गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन गोवा, कर्नाटका, केरला एंड कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी का ओल्ड नाम मैंने आपको बता दिया, पुराना नाम क्या है दैट इज केप कोमोरिन। तो टोटल हाउ मेनी स्टेट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेट्स, ठीक है।
जिनके बॉर्डर से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन टच होता है, ठीक है। ना कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड, ये पॉइंट आप नोट करना है, जैसे केप कोमोरिन का नोट किया है वैसे ही ये, ठीक है। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड, इंडियन मेनलैंड इज कन्याकुमारी। सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु इज ऑल्सो देयर, ये भी लिखना है आपने, एक छोटा सा हिस्सा तमिलनाडु का भी इसमें इंक्लूडेड है। सो टोटल 7 स्टेट्स इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अभी हमने क्या क्या लिखा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, कन्याकुमारी, इसमें थोड़ा सा पार्ट तमिलनाडु का भी है, तो टोटल कितनी स्टेट्स इंक्लूड होती है, 7। ना दिस पार्ट ऑफ कोस्ट लाइन इज अलोंग अरेबियन सी, विच पार्ट ऑफ कोस्ट लाइन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जो कोस्टल लाइन है, दैट पार्ट। दिस पार्ट ऑफ कोस्ट लाइन इज अलोंग अरेबियन सी बिटवीन वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स किसके और किसके बीच में है, इट लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न कोस्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब सबको मालूम है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्या है, यहां पर आपको कोव्स देखने को मिलते हैं, यहां पर आपको क्रीक्स देखने को मिलेंगे, यहां पर आपको एस्चुरीज देखने को मिलती हैं, ठीक है, फिर यहां पे लेक्स हैं और यहां पर लगूंस हैं, लगूंस या इसको बैक वाटर्स भी कहा जाता है। लेट मी चेंज माय मार्कर। पूरे कोस्टल प्लेन को हम एक बार स्टडी नहीं कर सकते ना, देखो इतना बड़ा एरिया है ना, तो हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब ये 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज योर गुजरात कोस्टल प्लेन, ठीक है, देन सेकेंड इज कोंकण कोस्टल प्लेन, थर्ड इज कन्नड कोस्टल प्लेन, देन फोर्थ इज योर मालाबार कोस्टल प्लेन। ये 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, अब हम हर पार्ट को एक एक करके समझते हैं। गुजरात कोस्टल प्लेन को देखते हैं, ठीक है, गुजरात कोस्टल प्लेन फॉर्म कैसे हुए हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय जो इंडस रिवर अपने साथ सिल्ट का डिपॉजिट लेकर आती है, सिल्ट वहां का लेके आई है, उसके डिपोजिशन से गुजरात कोस्टल प्लेन्स बने हैं, ठीक है। गुजरात कोस्टल प्लेन्स कहां से कहां तक है मैंने भी आपको बताया, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, और फिर फर्दर ये यहां से यहां सूरत, सूरत भी इसमें इंक्लूड होता है, यानी कि जो गुजरात कोस्टल प्लेन है वो आपका रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात और सूरत, सूरत तक का एरिया जो आता है वो गुजरात कोस्टल प्लेन्स में आता है। सो दीज कोस्टल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट बाय रिवर इंडस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि गुजरात कोस्टल प्लेन्स कैसे फॉर्म हुए हैं, फिर कहां से कहां तक है, फ्रॉम रन ऑफ कच्छ, ये यहां पे देखते रहना आप, रन ऑफ कच्छ, देन
गल्फ ऑफ खंबात आ रहा है इसमें इंक्लूड हो रहा है ना, गल्फ ऑफ खंबात अप टू सूरत, सूरत तक का जो एरिया है दैट इज इंक्लूडेड इन गुजरात कोस्टल प्लेन्स। अब गुजरात ही एक ऐसा स्टेट है जो कि शेयर करता है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लो। गुजरात शेयर्स द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। हमने क्या पढ़ा था, अभी कितनी स्टेट्स पढ़ी थी, 7 स्टेट्स पढ़ी थी ना, आउट ऑफ दोज 7 स्टेट्स गुजरात शेयर्स द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की भी बात करेंगे बाद में, पर पहले अभी इसकी बात करते हैं। आउट ऑफ ऑल द स्टेट्स जो कोस्ट लाइन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की भी बात करेंगे तो भी गुजरात से बड़ी कोस्टल लाइन कोई भी शेयर नहीं करता है। तो क्या है, ईस्टर्न प्लस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सब में से जितनी भी स्टेट्स के बॉर्डर को ये प्लेन्स टच करते हैं उनमें से सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन शेयर करता है गुजरात। अब यहां पर कुछ रिवर्स हैं, कौन कौन सी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बेसिकली, लूनी रिवर है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, अपने राजस्थान एरिया में। देन वहीं पर एक साबरमती है, साबरमती रिवर, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। देन कम्स नर्मदा रिवर, ये एरिया कहां तक का कैप्चर किया है, सूरत तक का कैप्चर किया हुआ है ना, रन ऑफ कच्छ से लेके, तो इसी बीच में ये फोर मेन रिवर्स हैं जो कि अपनी एक्टिविटीज के थ्रू ये गुजरात कोस्टल प्लेन फॉर्म करने में पूरा पूरा योगदान देती हैं। ये है आपकी नर्मदा रिवर और ये है आपकी तापी रिवर। तो कौन कौन सी फोर मेन रिवर्स है ये आपको पता होना चाहिए, कौन सी स्टेट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन शेयर करती है दैट इज गुजरात, गुजरात कहां से कहां तक गुजरात कोस्टल प्लेन है ये आपको पता होने चाहिए, एंड हाउ दीज कोस्टल प्लेन्स आर फॉर्म। सो दिस इज द फर्स्ट डिविजन ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कोंकण कोस्टल प्लेन्स। गुजरात कोस्टल प्लेन्स में मेन जो पोर्शन है दैट इज ऑफ काठियावाड़ पेनिनसुला। देखो ये वाला जो एरिया है ना, दिस एरिया, इसको हम कहते हैं काठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला, या इसको हम स्वराष्ट्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मेन पोर्शन जो है ये आता है अपना मेन गुजरात कोस्टल प्लेन में। तो ये पॉइंट और नोट कर लीजिए आप, किसी गुजरात कोस्टल प्लेन में ही लिख लो कि काठियावाड़ पेनिनसुला और इसको स्लैश डाल के स्वराष्ट्र, ठीक है, इज द मेन पार्ट ऑफ गुजरात कोस्टल प्लेन। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं हम कोंकण कोस्टल प्लेन की। कोंकण कोस्टल प्लेन, अब हमने सूरत तक का इंक्लूड किया था गुजरात कोस्टल प्लेन में, ठीक है। अब कोंकण कोस्टल प्लेन कहां से स्टार्ट होता है, राइट फ्रॉम सूरत। सूरत के बाद क्या है, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वो दमन दीव है ना, दमन से, कई बार ये भी लिखा होता है दमन टू गोवा, तो ये भी ठीक है, ठीक है, दमन टू गोवा भी ठीक है और महाराष्ट्र टू गोवा भी ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो सॉइल टाइप है बेसिकली रॉक टाइप जो है बसाल्टिक है, इसका जो नदन पार्ट है इसमें कोंकण कोस्टल प्लेन के दो पार्ट्स हैं। कैसे पार्ट है, जो इसका नदन पोर्शन है ना, नदन पार्ट जो है दैट इज सैंडी, बट इसी का सदन पार्ट जो है वो कैसा है, रॉकी एंड रगेड। ठीक है, और यहाँ पे ये लावा ओरिजिन हमने पढ़ा है कि महाराष्ट्र की जो सॉइल है दैट इज वेरी गुड फॉर
कॉटन कल्टीवेशन इन 7th, 8th and 9th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जो सॉइल टाइप है वो ब्लैक है, व्हाई? बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। दिस पोर्शन इज रिच इन ऑयल डिपॉजिट। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि दिस पोर्शन इज रिच इन ऑयल डिपॉजिट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई तो काफी फेमस है, सबको मालूम है बॉम्बे हाई क्या चीज है, ठीक है? तो ये है आपका कोंकण कोस्टल प्लेन, महाराष्ट्र टू गोवा, या आप इसको दमन टू गोवा भी कह सकते हैं, ठीक है? यहाँ इट इज बेसिकली बेसाल्टिक इन ओरिजिन। देन नदर्न पार्ट ऑफ कोंकण कोस्टल प्लेन इज सैंडी, वेयर इज द सदर्न पार्ट इज रॉकी एंड रगेड। और यहाँ ये पोर्शन जो है रिच इन ऑयल डिपॉजिट। ये इसका चार पार्ट है, यानी कि ये भूलना नहीं है। वेस्टर्न कोस्टल शेल्फ इज वाइडेस्ट। ये जो कोंकण कोस्टल प्लेन है, इतना सा रीजन जो है, इट इज द वाइडेस्ट वन। हमने लास्ट कोस्ट कहां तक बताया था? गोवा। अब ये गोवा टू, गोवा से लेकर है न्यू मैंगलोर तक, ठीक है? या मैंगलोर यहां तक है, ठीक है? गोवा टू न्यू मैंगलोर। अब इसको हम और किस नाम से जानते हैं? हम इसको जानते हैं कर्नाटका कोस्ट के नाम से, ठीक है? इसको हम कर्नाटका कोस्ट भी कहते हैं। अगर कर्नाटका कोस्ट, कनाडा कोस्ट या कन्नड़ कोस्ट आता है, तीनों सेम है, क्योंकि ये कहां से कहां तक है तीनों कोस्ट नाम, ये मतलब इट इज अ काइंड ऑफ सिनोनिम, ठीक है ना? तो ये है गोवा टू न्यू मैंगलोर, एंड दिस कोस्ट इज रिच इन आयरन ओर्स। यहाँ आयरन ओर्स के बड़े बड़े खजाने हैं ये सब, ठीक है? बहुत बड़ी बड़ी खान है। तो दिस कोस्ट इज रिच इन आयरन ओर, जैसे वो बॉम्बे हाई के लिए फेमस था, सो दिस इज द स्टार पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है? नाउ द रिवर्स, नेत्रावती, शरावती, गुरुपूर्णा एंड स्वर्णा। सो दीज रिवर्स ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। अब यहाँ पर ये रिवर्स इस सेक्शन में, ये कुछ रिवर्स हैं जो बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन दिस सेक्शन। हेयर द रिवर शरावती फॉर्म्स द हाईएस्ट वाटरफॉल। Highest waterfall that is about 271 meter high and its name is Barsoka Fall, Jog Fall, जिसको हम Jog Fall के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? यहां पर क्या है, इस section में अपने कर्नाटका कोस्ट में या कन्नड़ कनाडा कोस्टल प्लेन्स में, इस सेक्शन में क्या है, जो रिवर्स हैं वो खड़ी ढाल से गिरती हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। तो जो हाईएस्ट वाटरफॉल है दैट इज मेड बाय रिवर शरावती एंड इट्स नेम इज जॉग फॉल और बरसोपा फॉल, विच इज अबाउट 271 meter हाई, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज द फोर्थ वन इज आर मालाबार कोस्टल प्लेन। Now let's talk about मालाबार कोस्ट। देखो बेटा, मालाबार कोस्ट को हम केरला कोस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इसको हम केरला कोस्ट भी कहते हैं। ये कहां से कहां तक है? वो न्यू मैंगलोर तक था। ये न्यू मैंगलोर टू कन्याकुमारी, ठीक है? स्ट्रेचेस फ्रॉम, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, स्ट्रेचेस फ्रॉम, ठीक है, न्यू मैंगलोर टू कन्याकुमारी। अब इस केरला कोस्ट में बेसिकली हमें लेक्स, वॉटरफॉल्स और लगूम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है?
अब लगूंस, या मैंने आपको क्या बताया था, लगूंस को हम बैक वाटर के नाम से भी जानते हैं, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, मालाबार कोस्ट में जो लोकल लैंग्वेज में, उसमें बैक वाटर्स को क्या कहा जाता है, बैक वाटर लोकल, लोकली कॉल्ड कयास, क्या कहते हैं कयास। आपने बोट रेस सुना होगा, है ना, तो जो लगूंस में या बैक वाटर्स में जो मैक्सिमम बोट रेस हमने देखी हैं, वो कहां पर होती हैं, वो इसी रीजन में कंडक्ट होती हैं बोट रेस, ठीक है। यहां पर लॉन्गेस्ट बैक वाटर लेक जिसका नाम क्या है, वेम्बनाड, यही एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट हियर, ठीक है। सो मालाबार कोस्ट बेसिकली लगूंस लेक्स के लिए फेमस है, यहाँ काफी अच्छे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, इसको हम केरला कोस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर बोट रेस कंडक्ट की जाती है, ठीक है, और बैक वाटर्स को लोकली कयास कहा जाता है। लॉन्गेस्ट बैक वाटर लेक अगर पूछा जाता है, दैट इज वेम्बनाड लेक। सो दिस इज ऑल अबाउट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। नाउ लेट्स मूव टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट कहां से होते हैं और कहां से कहां तक माने जाते हैं, ये हमारे वेस्ट बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक। अब हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कन्याकुमारी तक हमने पढ़े थे कहां से, रन ऑफ कच्छ से, देन गल्फ ऑफ खम्बा, देन सूरत, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, कन्याकुमारी, देन कोस्ट लाइन हमारी जो है वो टर्न हो गई है, वो कहां से ऊपर टर्न होती है, मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट, एंड और वो कहां तक पहुंचती है, वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। वेस्ट बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन फैला हुआ है। यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं, ओडिशा आ जाता है हमारा, आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, तीन ही स्टेट्स आती हैं, नहीं चार आती हैं, वेस्ट बंगाल भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स includes how many states? देखो इसमें वेस्ट बंगाल, ओडिशा, then आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु, ये four states include होती है, ठीक है। Now this part of coastline is along the Bay of Bengal between Eastern Ghats and Eastern Coast. जैसे Western Coastal Plain के लिए हमने क्या कहा था, that part of coastline is along the Arabian Sea between Western Ghat and Western Coast. वैसे ही ये जो Eastern Coastal Plain है, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, this part of coastline is along the Bay of Bengal between Eastern Ghat and Eastern Coast. Now, major part of Eastern Coastal Plain, Eastern Coastal Plain का ज्यादातर part किस चीज से बना हुआ है, It is mainly formed by the depositional activities of the four major rivers, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. इनके द्वारा ये जो चार main rivers हैं, इन्होंने Eastern Coast को फॉर्म किया है, इनकी वजह से ही हाईली डाइसेक्टेड है ईस्टर्न कोस्ट, और इनकी वजह से ही ब्रॉडर है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट इन फोर रिवर्स की डिपोजिशनल एक्टिविटी की वजह से ही ज्यादा चौड़ा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में क्या था, जो रिवर्स थी वो स्टीप स्लोप से गिर रही थी सीधा नीचे, ठीक है, तो उनका जो भी डिपोजिशन था वो कहीं पे डेल्टा नहीं बना रही थी, इकट्ठा नहीं हो रहा था, वो डायरेक्ट क्या था, ओशन में मिल रहा था। लेकिन इनकी क्या है, जब हम ऐसे
इसका जो एलिवेशन है ये थोड़ा ऊंचा है वेस्टर्न घाट एज कम्पेयर टू ईस्टर्न, ठीक है। ये वेस्टर्न पोर्शन जो है ये ईस्टर्न पोर्शन के कंपेरेटिवली ऊंचा है, तो जितनी भी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, वो सारी की सारी उनका ढलान इस तरफ है। और मेजर रिवर्स कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है। और इस डिपोजिशनल एक्टिविटी की वजह से ही ईस्टर्न कोस्ट ज्यादा ब्रॉडर है। ये जो भी आपको मैंने पॉइंट समझाया ना, वो नोट डाउन करते हैं। मेजर पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स ब्रॉट बाय महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से टू पार्ट्स है, एक है आपका नॉर्दर्न सर्कल, ठीक है, और एक है आपका कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। आप कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सरकार दो पार्ट है। ये कहां से कहां तक है, नॉर्दर्न सरकार बेसिकली वेस्ट बंगाल, ओडिशा और थोड़ा सा पार्ट जो नॉर्दर्न पार्ट आप समझ लीजिए, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। और अगर रिवर बॉर्डर से अगर हम देखते हैं तो ये कहां से कहां तक है, इट लाइज बिटवीन महानदी एंड कृष्णा रिवर, ठीक है। देन कोरोमंडल कोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये है, अब हमने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश लिया ना, तो यहाँ पे क्या है रिमेनिंग पार्ट ऑफ या सदर्न पार्ट, सदर्न आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और रिवर बॉर्डर्स की, रिवर बाउंड्रीज की बात करते हैं, देन इट लाइज बिटवीन कृष्णा रिवर, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। ऐसे हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऐसे ही हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो दो ही पार्ट्स में डिवाइड है, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट। अगर स्टेट वाइज देखे जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टेट्स नॉर्दर्न सरकार के पार्ट्स हैं और कौन सी कोरोमंडल कोस्ट की है। अगर रिवर बॉर्डर्स के हिसाब से कि कौन कौन सी रिवर्स का के बीच का पोर्शन नॉर्दर्न सरकार में है, कौन कौन सी कोरोमंडल कोस्ट, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ओडिशा में अभी हमने दो पार्ट्स पढ़े ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के, वो आपको ध्यान रखने हैं। ओडिशा स्टेट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो ओडिशा स्टेट के पोर्शन में आता है उसको उत्कल प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए उत्कल प्लेन्स लाइज इन विच स्टेट, तो आंसर विल बी ओडिशा स्टेट, आंसर विल बी ओडिशा स्टेट बिकॉज इट कंप्राइजेस ऑफ ओडिशा स्टेट ओनली। देन कहां से उत्कल प्लेन किस और किस जगह मतलब को कहा जाता है, बिटवीन वो दो प्लेसेस कौन सी हैं जिनको जिसके बीच के एरिया को कहते हैं, दैट इज बिटवीन चिलिका लेक एंड कोलेरू लेक। दो ऐसी लेक्स हैं जिनके बीच के रीजन को उत्कल प्लेन्स कहा जाता है और वो बेसिकली कहां है, ओडिशा स्टेट में है। इसमें और क्या इंक्लूड है, महानदी और चिलिका लेक मैंने आपको बता दिया दो लेक्स के बीच में है बेसिकली, और मेनली आप कह सकते हो इसमें महानदी और चिलिका लेक इंक्लूडेड है। चिलिका लेक कहाँ है, चिलिका लेक यहाँ दिखती हूँ मैं आपको, चिलिका लेक लाइज एट द साउथ ऑफ महानदी, ठीक है। महानदी के साउथ में आपको चिलिका लेक देखने को मिलती है, वहां इसकी लोकेशन है। एंड चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, ठीक है। अगर लार्जेस्ट सेलाइन लेक ऑफ इंडिया पूछा जाए तो दैट इज चिलिका लेक, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आपको अगर उत्कल प्लेन्स स्पेशली आता है तो उत्कल प्लेन्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इन दो लेक्स के बीच के रीजन को उत्कल प्लेन्स कहते हैं। फिर उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, महानदी इंक्लूडेड है, चिलिका लेक से लेके कोलेरू लेक तक का ये एरिया है। और अगर क्वेश्चन आता है वे नेम द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, देन
यू शुड नो दैट द आंसर इज चिलिकाली. स्टूडेंट्स आंध्रा प्लेन जो है इट लाइज एट द साउथ ऑफ उत्कल प्लेन, मतलब उत्कल प्लेन के बाद आता है हमारा आंध्रा प्लेन. और आंध्रा प्लेन कहां से कहां तक एक्सटेंड है वो देखो, कोलेरू लेक है यहाँ. अब कोलेरू लेक से लेकर पुलकित लेक तक एक्सटेंड है. ये जो कोलेरू लेक है इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, ठीक है. ये फ्रेश वाटर लेक है, यहाँ देखो ये सलाइन लेक है, ठीक है. सॉल्ट वाटर लेक से लेके फ्रेश वाटर लेक, अब फ्रेश वाटर लेक से लेके अगेन पुलकित लेक. पुलकित लेक क्या है, इट इज अ सलाइन वाटर लेक, ठीक है. वाटर लेक इट इज अ लगून, ये भी लगून है, ये भी चिल्का लेक भी लगून है, ठीक है. इतना क्लियर है कि आंध्रा प्लेन कहां से कहां तक एक्सटेंड है. यहां कोलेरू लेक छोड़ा है ना, तो उत्कल प्लेन के साउथ में कह लो या फिर आप कोलेरू लेक से पुलकित लेक, एक ही बात है. बेसिन एरिया ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा इज कवर्ड. इस रीजन में यहां महानदी का आ जाता है लेकिन यहां पर गोदावरी और कृष्णा दोनों रिवर्स का आ रहा है, तो ये एरिया ज्यादा फर्टाइल है. बिकॉज ऑफ दिस वेरी बेसिन, इस बेसिन की वजह से ये एरिया बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है. एंड दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड, ड्यू टू दिस रीजन ओनली दिस एरिया इज कॉल्ड ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है. और इस में भी, इन दोनों रिवर्स में भी कृष्णा रिवर जो डेल्टा बनाती है, जो कृष्णा रिवर की बदौलत आप कह सकते हो, दिस रीजन इज कॉल्ड एज ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया. पुलकित लेक कहां पर है, अगर ये क्वेश्चन कभी आता है तो पुलकित लेक लाइज एट द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है. ये कहां पर है, इट लाइज एट द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. अगर बात आती है ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया, कौन सा प्लेन है, दैट इज द आंध्र प्लेन. नाउ द थर्ड वन इज योर तमिलनाडु प्लेन्स. अब तमिलनाडु प्लेन्स का कैसे है, तमिलनाडु प्लेन्स कहां से कहां तक होंगे. हमने लास्ट वाला जो स्टॉप किया है वो कहां पर स्टॉप किया था, हमने पुलकित लेक पे, स्ट्रेचेस फ्रॉम पुलकित लेक टू कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है. यहां से लेकर पुलकित लेक से लेकर तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक, ये स्ट्रेच है, ठीक है. यहां पर अब कौन सी रिवर है कि मैंने फोर मेजर रिवर्स बताई थी. महानदी हमने कवर की थी अपने उत्कल प्लेन्स में, देन हमने आंध्रा प्लेन में गोदावरी और कृष्णा. अब कौन सी रह गई है यहाँ पर, कावेरी रिवर डेल्टा यहां बनता है, यहां कावेरी रिवर है, इसका डेल्टा यहां फॉर्म होता है. इतना क्लियर है बस, हमें तमिलनाडु में ऐसा कुछ है नहीं, तमिलनाडु प्लेन्स के लिए इतना ही हमारे लिए नॉलेज बहुत है. अब एक चीज हमने जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में हमें पता होनी चाहिए, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रेनफॉल कब रिसीव करते हैं, ओनली इन विंटर्स ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार पॉइंट कह सकते हो आप, ठीक है. इट डज नॉट, कहां की रेनफॉल नहीं मिलती है, इट डज नॉट रिसीव्स समर रेनफॉल, ठीक है. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉनसून सीजन का जो रेनफॉल है, जो समर सीजन का रेनफॉल है, वो यहाँ नहीं होता ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, यहाँ पर सिर्फ विंटर सीजन का रेनफॉल होता है, ठीक है. इतना क्लियर है. तो आज का हमारा टॉपिक जो था कोस्टल प्लेन्स, वो हमने कवर किया है. Now let's recap through map images.